तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्रांति बोल सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेके आप समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, पर फिर भी वकील साहब स्ट्रक्चर जो है वो फिर भी जातिवादी है। हालांकि हमने अगर एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया है, वो उस तरह का वो आकार बन गया है कि वहां पर फिर कॉलेजों के अगर हम एडमिशन की बात करें या कोई भी पोजीशन की बात करें आईएएस या पब्लिक सर्विसेज में देखें कि वहां जाने के बाद भी फिर वो मेरिट वाली आर्ग्यूमेंट उनके ऊपर लाई जाती है, कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो, आप सिर्फ रिजर्वेशन से आ गए हो, आपके अंदर उस तरह का क्वालिटी नहीं था, इसकी वजह से आपका प्रतिनिधित्व हुआ। जब लोग आपको जिस तरह से आप एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बना दी हो और एक कबीरपंथी को आपने, तो ये मेरिटोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर आती है कि मेरिट धारक आप मेरिट को क्यों फॉलो नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप कैसा जवाब देते हैं? हमको भी चाहिए इसके लिए जवाब, ताकि हम भी बोल पाए कि जो हमको बार बार मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल अवसर का है। डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, 3 या 4 बार के सांसद रहे हैं और 1980 से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो गृह मंत्री थे और उन्होंने अपनी काबिलियत सिद्ध किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जनता के बीच में गए, चुन के आए और 1980 से लगातार चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे, अधिकांश चुनाव जीते हैं।